की ऐसा डंडा लो गाइस और दे धनादन करो इसमें। मम्मी पापा आ रहे हैं तो यहाँ कौन देखा, अकेले रहेगी क्या वो खुद ही मना कर। तुम रहोगी ना क्योंकि लड़ाई हो गई इसके पीछे, कौन संभाले कौन रखे। रश्मि को भी नींद आए, मेरे को भी नींद आए, मैं दो बार तो गिर गया हूँ इधर साइड में। तुम तो खा रहे हो पी रहे हो अगर मूत्र हो सो रहे हो, हमारा क्या है। जा तू नहीं, आपको सुबह ड्यूटी नहीं जाना रहता क्या? रश्मि उठाना तुम, नहीं सोती तुम तो सुबह से ड्यूटी चला जाता है। रश्मि तुम तो उठाना ना इनको, आज यही सोना किया। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रहे हैं हम, क्योंकि ये हमारी जान खा रहे हैं कि ब्लॉग ये क्या गंदे पने करते बच्चे जैसी हैं। और ये देखो सुबह सुबह हमारे छोटे बाबू से मिल लो, मालिश का ला लिया उनने। चीतालाम चीतालाम राधे 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 राधे। और ये देखो अक्की को मैंने अभी तैयार करा है, मस्त प्रेस नहीं करी शर्ट को क्योंकि धुली हुई, आज शाम को आके इसकी कटिंग करवा देंगे पूरी। और ये मालिश करवा के खड़े हैं पहलवान, अखाड़ा अखाड़े में जा रही हो क्या तुम? हाँ अखाड़े में जाऊँ मालिश करवा के, अभी मेरे को करना पड़ रहा है सब। इसको भी ले जाओ, मैं भी जाऊँ, पापा भी जाऊँ, तुम यहाँ कौन रहेगा? तुम रहोगी। अब वो जिया जी बोल रहे ना तुम नहीं आओगे, उनकी इच्छा है मेरे को वहाँ बुलाने का। तो तू शाम को आ जाना फिर, दिन भर मत वो मेरा वहाँ क्या काम है, वो किसी काम के लिए बुला रहे होंगे मेरे को। सीधे पकड़ो मेरे बच्चे को, बता देंगे तो खुद ही नहीं बुलाएंगे। क्या बता देंगे? मम्मी पापा आ रहे हैं तो यहाँ कौन रहेगा, अकेले रहेगी क्या वो खुद ही मना कर। तुम रहोगी ना अकेले रह जाओगी, बता दे मना कर देना इनको ठीक है। नहीं लो टाइम हो गया, टाइम हो गया, इसको करो। साढ़े ग्यारह बज गई रश्मि, जल्दी मुझे पीना बाकी मैंने कर दिया। सब रह सकती है कि जिमी भी तो है यहाँ, ये अकेले नहीं रह सकते क्या? हाँ ज्योति को बुला लेना, अरे छुप रहे ना बाबू, क्या पचर पचर कर रहा है क्या? तो क्यों लगाता आटा हाथ में? किसने बोला तुझे काट लगाने को? जल्दी तैयार हो, जल्दी स्कूल छोड़ के आना है फटाफट। 11 बजे उठोगे तो स्कूल के लिए कब जाओगे? इनको क्या सदमा लगा? पापा भी मम्मी भी सब। क्यों मुंह साफ नहीं करा उसका? अभी धुलाना है ना मुंह। बता ड्रेस बना दी, मुंह भी धुलाए, सब तैयार करेंगे। तो हमको जैसा आएगा वैसे ही करेंगे ना, यहाँ चक्कर आ रहा है, भूख लग रही है, नाश्ता करना है। खुद ने करा बेटे को, खुद तो कर लो पहले। मैं तो भी मालिश करवा। और क्या बोल रहे हो, रात में वो जगाता है वो भैया अभी जैसा जग रहे। रश्मि नहीं करता परेशान, रश्मि लेके बैठी रहती है रात भर, और रश्मि उठती है ना तो मैं रश्मि के कारण उड़ जाता हूँ। रश्मि को संभालता है, रश्मि को संभालता है। हाँ उसको भी गोद में लेके घुमाना पड़ता है जब नींद आती है उसको, है ना? मेरे को तो आती गोद में लेके बड़े घुमाते हो। ये रात में चिड़ने लग जाती है, उसको उठाती भी नहीं, रोता रहता है। तो मम्मी कहाँ उठाती हो तुम? उठाती नहीं हूँ, जल्दी यही सोना कल से आज से। हाँ इसको यही सुनाओ, रखती हो और हम ऊपर सोएंगे पंखा चला के। तू यही सोया करना, उस पे चिल्ला जा से पे, तू यही सोया करना। मेरी बात सुनो, तुम आज से यही सोना। आपकी नींद खराब होती है, फोन दो ना इनको, मालूम तो पड़े कि बच्चा रात में जगाता है कि नहीं जगाता है। जा तू नहीं, आपको सुबह ड्यूटी नहीं जाना रहता क्या? रश्मि उठाना तुम, नहीं सोती भैया, सुबह से ड्यूटी चला जाता है। रश्मि तुम तो उठाना ना इनको, आज यही सोना कि अपन ऊपर सोएंगे पंखा चालू करके, है ना बेटा? है ना? वो ले आओ वैसलीन ऊपर से, इसके होंठ फट रहे बहुत ज्यादा। ला इसका भी डायपर दे ठंडे का, मेरे को तो सर वो लेटा कैसे, क्या क्या हो गया? चल रहा है, नजर मत लगा यहाँ। चलो भैया फटाफट मैं भी नाश्ता कर लेता हूँ। और ब्लॉग इसलिए नहीं बना रहे थे भाई कि तबीयत खराब हैगी, और कमेंट बहुत आ रहे कि भैया ब्लॉग बनाओ ब्लॉग बनाओ। अब तो बनाऊंगा, अब तो चाहे जो रोक ले मेरे को, मैं ब्लॉग बना के ही रहूंगा। डेली ब्लॉग लगेंगे, कल से ब्लॉग मिल जाएंगे आपको डेली 11:30 बजे। नौटंकी करता है कि ऐसा डंडा लो गाइस और दे धनादन करो इसमें। गाइस को बुला के देना चाहिए, बोलो डेली ब्लॉग बनाऊंगा, डेली बोल बोल के आप लोगों को उल्लू बनाते रहते। उनकी भी आदत पड़ गई है कि ये बंदा तो हमेशा जब भी मोबाइल उठाएगा यही बोलेगा हेलो गाइस में अब डेली ब्लॉग। चलो ये सब बच्चे हैं, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। डेली ब्लॉग अब डालेंगे और आप लोगों को सपोर्ट करना है। सॉरी पैर पकड़ता हूँ मैं, बाकी सबके सॉरी बोलता हूँ। और ये देखो ये है अपना कारीगर और मजदूर, और अभी छुट्टी पे मजदूर छुट्टी पे है तो हमको काम करना पड़ रहा है। देखो तैयार कराना पड़ रहा है, मैं जा नहीं पाया हूँ, सुबह सुबह का काम कर नहीं पाता हूँ मेरा।
मेरे को एक घंटा लगता है बाथरूम में जाने में, समझ रहे हो तुम? जाओ, मैं नहीं हूँ गाइस, समझ रहे? मोबाइल लेके बैठे रहते एक घंटे। हाँ तो गाइस, इसके वीडियो है ना, इसका ब्लॉग ज्यादा से ज्यादा देखो आप, ताकि सब मालूम पड़ेगा कि ये बंदा क्या करता है क्या नहीं करता। कुछ नहीं करता हूँ मैं, क्या बोले जिया जी, ये बता, तुम तो उनको बुलाना है मेरे को, पापा को मारो। जिया जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे, समझते हो कि काय के लिए फोन करा हो बोले ना, पूछ क्यों रहे हैं ऐसा? नहीं, आप कैंसिल करो पापा को, पापा को यही रहने दो, वहाँ जाके क्या करेंगे फोकट, वो परेशान होंगे यहाँ। नहीं, उनकी छुट्टी तो होगी होगी, वैसे भी छुट्टी करवा दो, यही रश्मि के पास रहेंगे, आराम करेंगे। जाना है हमको, देखो चलना, तू भी चलना, उनको तो लेके जाऊंगी, पर ये नहीं जाने दे रही ना मेरे को अकेला। तो शाम को आ जाना। शाम को हुआ मतलब ही नहीं ना आने का मेरा, फिर रात में शादी, जब जैसे फिर मैं बोलूंगी तभी रश्मि को भी लेके चल, लगेगा अभी। हाँ रश्मि को भी लेके चल, चलो रश्मि तुम भी, रश्मि तो यहाँ 16 तारीख वाली शादी में जाएगी, तुम वहाँ भी चलो ना, क्या दिक्कत देगी, 16 वाली तारीख में जाएगी, कोई नहीं जाएगी, यहाँ भी कहीं जाने नहीं देंगे हम, यहाँ क्यों जाओगी, क्या है यहाँ पे, कपड़े अपड़े है नहीं अभी कुछ, है मेरे पास तो, तुम्हारे पास नहीं है, तुम देख लो, तो उसके शादी में जाते तो कपड़े मैं कपड़े पहनेंगे भाई, ये इसी इसी इन्फ्लुएंसर है, वहाँ शादी में कोई पहचान लगा तो बोलेगा कि ये पुराने कपड़े पहन के आ गई, वाह बेटे, तो रखा करो ना रात भर तुम्हारे छोरे को, क्यों ऊपर पहुंचा देते हो हमारे साथ, तुम्हारी वो अभी क्या बोलूं मैं, अच्छी बोलूंगी फिर, हाँ अच्छी बोलूंगी, बुरी बोलते का वो, तुम सब अच्छी तो बोलते हो, निकल खत्म हो गया ना बेटा, ले दे के ऊपर हंडा खड़ा हुआ है, ये जाती है रश्मि, हंडा बनाते हो, बच्चा रात भर जग रहा है, 11 बजे तक सोए रहते हो, मम्मी जगता हो, चलो मैं अभी आता हूं, हम तो जगे ही नहीं होंगे, हमारे भी दो बच्चे थे, नहीं नहीं इसको देना पड़ दवाई, लो तुम बनाओ ब्लॉग, मैं बाथरूम में आ रहा हूं, दवाई दे रहे क्या बनाऊं, हेलो गाइस बोलो ऐसे ऐसे, वेलकम, हेलो गाइस, आप पकड़ो सारी मोबाइल पकड़ना तो सीखो, ऐसे पकड़ो मोबाइल कान में, ये जोर से बोलना, हेलो गाइस, हेलो गाइस, मैं देने दूंगी चाटा फिर, हां बोलो, और क्या बोलूं, अभी आता थोड़ी ना हमको ब्लॉग बनाना, इनकी शिकायत करो क्या, तुम्हारे पैसे कहां रखे सारे ये बता दो मेरे को, इसमें बता दो, हेलो गाइस, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा ये लड़का क्या बोल रहा है, पैसे कहाँ रखे, बस इसको एक चीज दिखती है पैसा, हगना आ रही है मेरा मोबाइल, हाँ बस कुछ भी काम का बोलो ना मुझे पोटी आ रही है, कुछ भी काम का बोलो मुझे पोटी आ रही है, बस है? हाँ बस थोड़ा सा बनाए आप लोग और भग लिया, बोले मम्मी तुम बनाओ, रश्मि तुम बनाओ, लो रश्मि बनाओ, मुझे नहीं आता कुछ बनाते, मुझे नहीं आता है भाई बनाते, तो गाइस देखो रात भर मुझे ऐसे जगाता और अब देखो ये कैसे सोए हैं दोनों, इनको उठाते हो तो ये चिढ़ जाते हैं, इनकी नींद खराब होती है, और अभी सोए हैं, अगर ये रात में ऐसे सो जाए तो मेरी भी नींद पूरी हो जाए, मेरी नींद अभी पूरी नहीं हो रही है, मतलब इसका टाइम है 11 से 4 बजे तक ऐसे ही जगता रहता है और फिर मेरे को भी जगाता है, 4 बजे तक मैं इसको लेके बैठी रहती हूँ, और अभी इनको जगाती तो ये चिढ़ने लगते हैं इसलिए इनको जगाती नहीं हूँ, लेके बैठी रहती हूँ, और अभी सोए हैं मस्त, तो ब्लॉग इसी कारण नहीं आते हैं क्योंकि नींद पूरी होती नहीं है, और फिर सुबह सुबह वापस इनको लेट उठते हैं, 11 बजे तक उठते हैं, तो इसलिए ब्लॉग नहीं आ पाते हैं, तो अब देखो, और मैं अब नाश्ता कर रही हूँ, अभी अभी मैंने अपना पानी गर्म करा अजवाइन वगैरह वाला, और अब नाश्ता करूँगी, फिर दाल भी रख के आई हूँ इनको, तो गाइस देखो 4:30 बज रही है सुबह की, और ये भाई साहब अब सोए हैं, इन्हें जो नचाना चालू करा था 1 बजे से, है ना 1 बजे से ना, कहाँ 1 बजे, फिर 12 बजे से जो चालू हुआ था ये, जिसमें से अब हुआ अब सोया है, और हम दोनों की लड़ाई हो गई इसके पीछे, कौन संभाले कौन रखे, इस रश्मि को भी नींद आए मेरे को भी नींद आए, मैं 2 बार तो गिर गया हूँ इधर साइड में से, अब रश्मि की कमर दुख रही है, कमर दुखने लगती बैठे बैठे दिन में भी, पता नहीं क्या हो रहा है, मालिश भी करवा लाई, पोटी भी कर ली भाई साहब ने, दूध भी पी लिया, सोएगा आज तो सोएगा, कल तो वो आज तो उसने और ज्यादा आदत कर दी, अब ऐसा ही है, अब देख लो 4:30 बज रही है,
और ये कब से पचर पचर कर रहा था ये 12 बजे से। हाँ अभी तो सो गया है, नाक थक गई है। और ये देखो मेरी हालत एकदम बढ़िया, सर्दी हो गई एक तरफ से और हम दोनों लड़ लिए कि कौन रखेगा इसको। अब कल से ना नीचे ही सोएंगे हम, मम्मी रखेंगे। मम्मी के पास वो चुप रहता है, मम्मी के पास सो जाता है, हमसे नहीं संभलता भाई, अब नहीं संभलता। हमारे बड़े अक्की ने हमको इतना परेशान करा ही नहीं, बापड़ा हो तो सो जाता था खा पी के। ये तो भैया आतंकवादी है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है यार, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अब मैं थक गया हूँ, मैंने मेरी ठंडी नहीं लग रही मेरे को, कब से तो घूम रहा हूँ लेके घूम रहा हूँ, हाथ कमर दुखने लग गई है कि अब क्या बोले यार, अब छोड़ो अपनी गलती है कि। ये देखो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये वो 4:42 ही हो रही है अभी, ठीक है। और ये वापस चालू इनके काम, ये देखो क्या कर रहे हैं क्या कर तो दूध निकाल रहा है वो सर। का भैया कसम खाए हो कि अगर सोने नहीं देंगे। चमक गया। नहीं 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 नहीं, क्या हो गया भैया, क्या हो गया, तुम हमको सोने दोगे कि नहीं? तुम भी नहीं सो रहे हो और हमको सोने दे रहे हो। ये क्या समय देख रहे हो, समय कितना हो गया है, 5 बजने वाली है यार, कुछ समझते समझते हो कि नहीं? तुम तो खा रहे हो पी रहे हो भाग रहे हो मूत्र हो सो रहे हो, हमारा क्या है? हम दोनों मियाँ बीवी को क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हारा झूला पड़ा है, तुम मस्त सो जाओ, तुम्हारा भाई सो रहा है इधर। कुछ समझ में आती है कि नहीं? हाँ तुमसे ही बात कर रही हूँ भैया, तुमसे ही। जो भी प्रॉब्लम है सुबह दिखाना ना दादी को, अभी तो सो ना, अभी काय को इतना परेशान कर रही हो तुम? तुमको क्या इधर से उधर लेके घूमते रहे क्या हम? ठीक है हमने पैदा करा तो इसका मतलब ये तो है तुम तो हमको सोने ही नहीं दोगे। चुप छाप पड़े हो तुम, चलो तुम्हारे झूले में जाओ, हमारे गोद में सूट के। हाँ झूले में जाओ, देखे मत ऐसे झूले में जाओ, झूले में परेशान कर दिया रात भर से, 12 बजे से जो टकटकी लगा रखी, 4 बजा दिए रश्मि कल से नीचे, 5 बजा दिए कि हमारे अक्के अच्छा बढ़िया भी नींद आ रही है, आँख में पड़ा रही है। हमारे मियाँ बीवी में लड़ाई करवाओ तुम, है ना? क्यों कहाँ जाना, उठा दूँ सीधा कर दूँ? वो बोल रहा है उठा भाई, अब सीधा कर, चलो सो जा राजा बेटा राजा। सोएगा तो नहीं अभी, क्या इसकी सुबह की फ्लाइट है भाई साहब की, इसलिए अभी सोएंगे नहीं, परेशान कर दे रहे भैया। बच्चा एक ही अच्छा, ये अच्छा बड़ा वाला हमारा बिल्कुल परेशान नहीं करा, और ये इसने तो चारों धाम मत रात में बढ़िया एकदम मैदान दौड़वा दी है। देखो ऐसे करते रहो बस पीछे पीठ पर डक 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 डक, नहीं करना, चलो जाओ ऐसे तुम्हारे झूले में, उठो उठो चलो। ये क्या हुआ,